नमस्कार साथियों, मैं रीता सिंह चंबल प्रभा न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साइड में आ रहे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो मिले सबसे पहले आपको। फिर लगी आचार संहिता, राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा। जयपुर गहलोत और सचिन पायलट के शपथ लेते ही एक बार फिर आचार संहिता लागू हो गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के बाद अब प्रदेश के 9 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों में सदस्यों के रिक्त पदों पर उपचुनाव 28 दिसंबर को होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अलवर, भीलवाड़ा, चूरू, दौसा, धौलपुर, कोटा, नागौर, पाली एवं सीकर में मतदान 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसके बाद मतगणना 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से होगी। बता दें, इससे पहले इन पंचायती राज संस्थाओं में मतदान 27 अक्टूबर और मतगणना 29 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन विधानसभा आम चुनाव 2018 के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर अत्यधिक व्यस्त होने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोध पर आयोग द्वारा ये निर्णय लिया गया था। ईवीएम से होगा उपचुनाव। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव में मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उपयोग में ली जाएगी। आचार संहिता लागू, उपचुनाव की नवीन तिथि की घोषणा के साथ ही समस्त संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो जाएगी, जो कि उपचुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक जारी रहेगी।